नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या फिर कहें पूरे के पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त तहलका आठ से नहीं पिछले कई सालों से मचाया हुआ है, लेकिन चर्चाओं में वो तब आते हैं जब पांच छक्के लगाते हैं वहां पर यश दयाल को IPL 2023 में। और इसके बाद क्या था, फिर रिंकू सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, लगातार एक के बाद एक मैचों में परफॉर्म करते चले जाते हैं। एंड इसके बाद उनकी इंडिया कैप भी लगती है जहां पर T20 ODI तो खेल चुके। लेकिन अब बात हो गई है ये कि रिंकू सिंह ODI में अभी फिलहाल तो बाहर हो गए हैं, लेकिन ODI में भी आएंगे और उनकी वापसी होगी कहाँ पर, टेस्ट क्रिकेट में भी, ये खुद संकेत दिए हैं विक्रम राठौर ने। और हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया का जो श्रीलंका टूर है वो खत्म हो चुका है, मतलब हाँ श्रीलंका टूर जो खत्म हो चुका है। एंड इसके बाद अब टीम इंडिया को बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट और T20 सीरीज खेलनी है, जहाँ पर हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा खेलेंगे तो वैसे, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि आराम भी कर लें, और अगर नहीं भी करते तो यहाँ पर भी रिंकू सिंह की वापसी हो सकता है वहां पर हो सकती है, या फिर रिंकू सिंह की जगह टीम में बन सकती है। इस प्रकार से हम चीजों को कह सकते हैं। अब अगर रिंकू सिंह के आंकड़े हम देखें ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में, तो वो साफ तौर पर दिखाता है कि उनकी जगह यहां पर बन सकती है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 47 मैच खेले हैं, 3173 रन बनाए हैं, और उनका जो एवरेज रहा है ना यहाँ पर 54 से ऊपर का रहा है, उनका एवरेज रहा है 54.70 का, उनका यहाँ पर बैटिंग एवरेज रहा है और स्ट्राइक रेट भी 71 से ऊपर रहा है, जो दिखाता है कि रिंकू सिंह किस तरह के बल्लेबाज है, यानी ताबड़तोड़ बैटिंग भी करते हैं और जो कंसिस्टेंसी है वो भी बरकरार रहती है। एंड इसके बाद जो इनका बेसिकली हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 163 का रहा है, यानी हर तरीके से रिंकू सिंह बड़ी पारियां खेलने में भी सक्षम है, और दूसरी चीज स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और लेफ्ट हैंडर भी हैं, बॉल भी कर सकते हैं, एंड एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली 54 के ऊपर रहा है। दैट मीन्स ही इज अ गुड चॉइस फॉर द टेस्ट मैचेस, बिकॉज इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में आप काफ़ी टाइम से स्पिनर्स जो रहे हैं उनका स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारे बैट्समैन का यानी घर में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, तो रिंकू सिंह इज अ गुड चॉइस फॉर द टेस्ट मैच, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा कि आप लोग को लगता है कि जो विक्रम राठौर का मानना है कि हाँ ही इज़ अ गुड बैट्समैन इवन टेस्ट टू, या फिर आपकी राय कुछ और है। मुझे लगता है कि हाँ टेस्ट में हो सकते हैं रिंकू सिंह, बाकी आप लोग भी बताइए क्या लगता है आपको, रिंकू सिंह क्या टेस्ट में आ सकते हैं और क्या वहां पर भी छा सकते हैं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।